नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 7 न्यूज। बिहार के स्थानीय ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्थापना की स्वर्ण जयंती के सुअवसर पर कुलपति डॉक्टर एसपी सिंह ने विश्वविद्यालय आईटी सेल द्वारा नव निर्मित वेबसाइट का शुभारंभ करते हुए कहा कि अब तक वेबसाइट का संचालन अन्य बाहर की निजी कंपनी द्वारा किया जा रहा था, जिसकी कीमत अदा करनी पड़ती थी, लेकिन विश्वविद्यालय में स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ सेल ने आधुनिक तकनीक से लेंस एवं नेक के मानकों के अनुकूल छात्रोपयोगी वेबसाइट लॉन्च किया है, जिससे बहुत सी समस्याएं स्वतः दूर हो जाएंगी। इतना ही नहीं, अन्य कोई भी आवश्यक सूचनाएं त्वरित गति से अपलोड की जा सकेंगी। बीवी प्रोफेसर सिंह ने बताया कि विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी विभिन्न चुनौतियों को पूरा करने के लिए UMISC प्रणाली को सुदृढ़ किया है। इसका परिणाम है कि छात्र छात्राएं नामांकन से लेकर परिणाम तक की सूचनाएं ऑनलाइन प्राप्त कर रहे हैं। कुलपति ने आईटी सेल द्वारा नव निर्मित वेबसाइट के लिए विश्वविद्यालय परिवार सहित आईटी सेल के सभी सदस्यों को विशेष धन्यवाद दिया। कुल सचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद ने कहा कि विश्वविद्यालय वेबसाइट पर जो भी सूचनाएं दी जाएंगी वे प्रमाणित हों और किसी भी प्रकार की भ्रम की कोई गुंजाइश ना हो। उन्होंने कहा कि नव वेबसाइट पर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों एवं कॉलेजों की संपूर्ण जानकारी दिए जाने की हर कोशिश होगी, ताकि छात्रों को किसी तरह की कठिनाई ना हो। इस अवसर पर प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता, प्रोफेसर गण सुरेंद्र कुमार, अरुण कुमार सिंह, डॉक्टर जिया हैदर, डॉक्टर दिवाकर झा, डॉक्टर आनंद मोहन मिश्र, डॉक्टर अवनी रंजन सिंह, डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता, प्रोफेसर अजय नाथ झा, प्रोफेसर विमल इंदु शेखर झा, डॉक्टर कमेश्वर पासवान आदि मौजूद थे। के लिए आज का दिन बहुत शुभ है कि अब तक हमारी यूनिवर्सिटी का जो वेबसाइट था वो किसी न किसी कंपनी के द्वारा संचालित हो रहा था, लेकिन अब मिथिला विश्वविद्यालय ने खुद अपने कार्यालय जो आईटी सेल है हमारा, उसके द्वारा वेबसाइट तैयार करके माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर एस पी सिंह के द्वारा आज इसे लॉन्च किया गया है। इस वेबसाइट से यह सुविधा होगी कि पहले कोई भी चीज़ जो हम इस पर डालते थे तो कंपनी को भेजते थे, फिर कंपनी से अपलोड करती थी, अब सीधे विश्वविद्यालय के द्वारा उस पर अपलोड किया जाएगा और तमाम तरह के जो छात्र उपयोगी सूचनाएं हैं वो त्वरित गति से इस पर दिखाई देगी। यह सब वेबसाइट हो या ऑनलाइन प्रक्रिया जितनी है वो सभी छात्र जितने हैं और पूरे राज्य में अभी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय माननीय कुलपति प्रोफेसर एस पी सिंह साहब के नेतृत्व में सत्र के नियमितीकरण, परीक्षा, अभी हमने राज्य स्तरीय जो परीक्षाएं ली हैं बीएड की टेस्ट की और भी जो परीक्षाएं हो रही हैं उसमें और भी सुविधाजनक स्थिति पैदा होगी कि अब अपना वेबसाइट है हमें किसी कंपनी या अन्य के द्वारा इस पर अपलोड करने का इंतजार नहीं करना होगा। तो आज इस कार्य के लिए हम माननीय कुलपति महोदय को पूरे मिथिला विश्वविद्यालय परिवार की ओर से बधाई देते हैं कि आपके विश्वविद्यालय अग्रसर है और विश्वविद्यालय राज्य में अपने आप को स्थापित करने में कामयाब होगा।